नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ये VGA मॉनिटर है जो कि हमारा एसर का है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका मॉडल नंबर। यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे, यहाँ पर ये दोस्तों 20 इंच का एक मॉनिटर है। इसमें दोस्तों हम लोग पैनल का फॉल्ट जो है वो रिपेयर करेंगे, यानी कि पैनल में इसका दिक्कत है वो हम आज इसको देखेंगे, रिपेयर करेंगे क्या है क्या नहीं। दोस्तों पैनल कोई सा भी हो, टीवी हो मॉनिटर हो, हमको उसको नहीं देखना है। बस पैनल तो पैनल होता है दोस्तों, क्योंकि सब एक जैसा वर्क करता है, कोई अलग नहीं रहता है, सबका सीक्वेंस वही रहता है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत फंक्शन का रहता है कि एक दो एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, लेकिन सबका काम करने का जो तरीका है वो हम आज इसमें फाइंड करेंगे। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मॉनिटर का अगर आप, ये दोस्तों एक सच्चाई है, मॉनिटर का अगर आप पैनल रिपेयर कर लोगे 100% तो आप 200% पैनल, हम टीवी का पैनल जो है वो रिपेयर करने में आपको बहुत आसानी होगी। दोस्तों जीता जागता एग्जांपल मैं हूँ, क्योंकि दोस्तों मॉनिटर में थोड़ा हार्ड लगता है, टीवी में आजकल कुछ हार्ड नहीं है। टीवी का अगर पैनल देखें हम लोग तो टीवी से ज़्यादा हार्ड हमारा मॉनिटर होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक VGA मॉनिटर है। तो छोड़िए वो सब बात को, हम इसका पैनल का फॉल्ट रिपेयर करेंगे। बाकी मैं आपको एक बार इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं दोस्तों पावर दिया, इधर देखेंगे दोस्तों, देख सकते हैं ये प्रॉपर वाइट है। ठीक है, एकदम वाइट है दोस्तों ये। फटाफट फटाफट दोस्तों हम इसका वोल्टेज वगैरह जो है वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मॉनिटर जो रहता है हमारा, जितने भी मॉनिटर आते हैं वो हमारा 5 वोल्ट, उसका जो पैनल VCC होता है वो 5 वोल्ट में चलता है। तो आइए दोस्तों फटाफट फटाफट मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको 5 वोल्ट, यहाँ पर आप देखेंगे मीटर में तो एकदम हमारा ओके है। ठीक है, उसके बाद हमारा 3.3 यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर दोस्तों 3.3 भी हमारा एकदम ओके है। उसके बाद दोस्तों DC to DC IC हमारा AVDD का वोल्ट निकालेगा, जो कि यहाँ पर भी है 12 वोल्ट के आसपास रहेगा, 12-13, ये भी दोस्तों हमारा एकदम ओके है। ठीक है, उसके बाद हमारा VGH का पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों 27 वोल्ट, ये हमारा जो सबसे बूस्टअप वोल्टेज रहता है दोस्तों, ये भी वोल्टेज ओके है। हमारा VGL वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, VGL वोल्टेज हमारा जो कि -9 point something कुछ बता रहा है, ये भी हमारा दोस्तों ओके है। उसके बाद भी दोस्तों ये जो डिस्प्ले है हमारा वाइट एकदम आ गया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे हल्का हल्का ये हमारा ये हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है, तो आइए हम दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों इतना वोल्ट आपको चेक करने के बाद आपको मैनुअली दोस्तों कहीं ना कहीं आपको टच करके देख लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको मैंने जो है दोस्तों वो रिपेयर कर लिया है। क्या चीज़ का फॉल्ट है दोस्तों, मैं आपको अगर स्टार्टिंग में बता दूँ तो कुछ मतलब नहीं, मैं आपको कुछ डिटेल में बता के उसके बाद मैं फॉल्ट बताऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो CKB लाइन का है, गेट लाइन ट्रैक का। दोस्तों सभी जानते हैं अगर CKB ट्रैक का हुआ तो हमारा जो जितना वोल्टेज बनना चाहिए था वो नहीं बनना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, सब वोल्ट हमारा प्रेजेंट है, DC to DC IC हमारा सब वोल्ट हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद भी दोस्तों ये व्हाइट स्क्रीन आ रहा है और CKB लाइन का है। दोस्तों आप जनरली देखे हैं, जैसे आप टीवी वाले आप सभी मैकेनिक भाई जानते होंगे, अगर CKB ट्रैक का होता है तो हमारा ब्लैंक डिस्प्ले होता है, या फिर ब्लैंक डिस्प्ले में दोस्तों हमारा DC to DC IC जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं रहता है, वो वोल्टेज हमारा क्या होता है, ड्रॉप करता है। लेकिन दोस्तों इसमें हमारा वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है, उसके बाद भी हमारा ये तो ये व्हाइट स्क्रीन। अब दोस्तों व्हाइट स्क्रीन आने का बहुत से कारण रहते हैं, हमारा ये सिग्नल का दोस्तों कुछ गड़बड़ हो जाने के कारण भी होता है, मेमोरी IC में 3.3 नहीं मिलने से भी ऐसा होता है, प्रोसेसर शॉर्ट होने से भी ऐसा होता है, लेकिन दोस्तों ये मॉनिटर में हमारा गेट लाइन की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने सब सिग्नल वगैरह चेक कर लिया है, सब वोल्टेज वगैरह एकदम दोस्तों एक्यूरेट आ रहा है, अब हम क्या करेंगे। ठीक है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये CKB ट्रैक का है दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुनेंगे दोस्तों ये IC जो है दोस्तों वो हीट भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर हीट होता तो हमको उससे पता चल जाता कि हमारा IC में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो रहा है। दोस्तों ये IC भी हीट नहीं हो रहा है, एकदम ठंडा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेसर हमारा जो यहाँ पर दोस्तों टीकॉन IC लगता है, ये भी एकदम ठंडा है और कहीं कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी हमारा ये जो है पैनल एकदम वाइट है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों। ठीक है, कभी कभी दोस्तों इस केस में कई मैकेनिक जो है दोस्तों वो क्या करते हैं,
हमारा ईप्रोम में जो पैनल होता है, वो पैनल में भी दोस्तों एक ईप्रोम लगा होता है, ये तो दोस्तों अभी पलट के लगा हुआ है अंदर में एक ईप्रोम, उसको हम लोग फ्लैश करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये फ्लैश का भी नहीं है, मैंने अगर सीकेवी ट्रैक से हमारा सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तब हम इसको फ्लैश करेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, और आपको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों मैं बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ कुछ पॉइंट बना हुआ है दोस्तों, यही सीकेवी पॉइंट है। अगर आप इधर भी देखेंगे, इधर भी दोस्तों कुछ कुछ जो है दोस्तों वो पॉइंट बना हुआ। दोस्तों अब इसमें इतना सारा पॉइंट बना तो हुआ है, अब इसमें से कौन सा सीकेवी लाइन है उसको आप कैसे पहचानेंगे? दोस्तों सीकेवी ट्रैक पहचानने का मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, यानी कि आप उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं दोस्तों इसमें ऊपर ऊपर आपको बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, सीकेवी ट्रैक कभी भी दोस्तों वो एक साइड से नहीं जाता है, वो बोथ साइड जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड भी जाएगा हमारा और राइट साइड भी जाएगा, ठीक है। और इसमें से जो हमारा RX सिग्नल जो रहता है दोस्तों, जो हमारा प्रोसेसर से निकलता है, वो चारों जैसे जितना कॉफ लगा हुआ वो उसमें जाता है, तो आपको कन्फर्म हो जाना है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ सिग्नल है, यहाँ पर आप देखेंगे ये सिग्नल जा कहाँ रहा है, मैं आपको ट्रैक ले जाता हूँ, यहाँ से इधर आया, यहाँ पर आप देख रहे होगा, यहाँ से दोस्तों ये अंदर से लगा हुआ है, यहाँ से लो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा के वो डायरेक्ट कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इस साइड हो के आप यहाँ से ये पॉइंट को जब पकड़ के आएंगे दोस्तों, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट में दोस्तों इधर आ रहा है। तो दोस्तों इससे आपको क्लियर हो जाता है कि हमारा जो ये जो सिग्नल है दोस्तों, वो यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए दोस्तों यही कॉफ में जा रहा है, यानी कि हमारा लेफ्ट और राइट सिग्नल में हमारा जा रहा है, और कहीं तो जा नहीं रहा है दोस्तों, जैसे यहाँ तो गया लेकिन इधर भी जाना चाहिए, है ना, कहने का मतलब ये, लेकिन दोस्तों यहाँ तो नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप दोस्तों ये भी एक ट्रिक है कि आप दोनों साइड से पहचान सकते हैं कि लेफ्ट और राइट से कौन सा ऐसा सिग्नल है जो हमारा DC to DC IC से जा रहा है, जो कि लेफ्ट और राइट साइड से है, ठीक है। दोस्तों मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको और मैं बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सिग्नल है, ये वाला मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला आप यहाँ से ऐसा देखेंगे तो यहाँ आके अटक रहा है। अब मैं इधर से आपको पलटा के दिखाता हूँ, वही दोस्तों यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वही रेजिस्टेंस के माध्यम से हमारा यहाँ पर एक DC to DC IC है दोस्तों, यही IC दोस्तों हमारा सब वोल्टेज और CKB सिग्नल को यही IC हमारा ड्राइव करवा रहा है। लेकिन दोस्तों अक्सर हम लोग देखा गया है, अगर CKV लाइन का प्रॉब्लम हुआ तो हमारा VGH VGL वोल्टेज भी मिस रहता है, लेकिन दोस्तों इसमें सारा वोल्ट हमारा प्रेजेंट है, आपने देखा था दोस्तों, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, पिछला वीडियो में भी दोस्तों, लेकिन इसमें बड़ा अजीब सा था। तो ये सिग्नल दोस्तों आप जब देखेंगे तो वही सिग्नल हमारा यहाँ से होते हुए हमारा ये वाला इधर गया है, ठीक है। तो दोस्तों जब मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया ये वाला पॉइंट से, इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस को दोस्तों डिस्कनेक्ट किया, तो दोस्तों ये IC से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया मतलब हमारा यहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ, यानी कि यहाँ से हमारा IC गेट लाइन ब्रेक हुआ, ठीक है। दोस्तों मैं इसको डिस्कनेक्ट किया तो हमारा पिक्चर एकदम बन गया है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ से डिस्कनेक्ट करके, ठीक है। मैं दोस्तों यहाँ पर भी डिस्कनेक्ट किया था तो हमारा पिक्चर जो है दोस्तों वो नहीं बना था, सेम प्रॉब्लम था, ठीक है। दोस्तों इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, ठीक है। शॉर्ट कैसे चेक करेंगे दोस्तों, देखिए आप शॉर्ट कैसे चेक करेंगे, अगर यहाँ से आपको शॉर्टिंग मिल भी गया तो आपको कैसे फाइंड होगा कि वो किस साइड का है, क्योंकि दोस्तों यही CKV लाइन हमारा इधर भी आ रहा है, जो हमारा यहाँ शॉर्ट बताएगा वो हमारा इधर भी शॉर्ट बताएगा, तो आपको कैसे फाइंड होगा, ऐसे में फाइंड करना मुश्किल है दोस्तों, ऐसा फाइंड नहीं कर सकते। आपको एक ही ऑप्शन मिलता है जो कि हमारा लेफ्ट साइड हो सकता है, आप रिमूव करके देखें आया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रिसोल्ड मार के आप इसको दोस्तों यहाँ का इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे, ठीक है। दोस्तों आइए मैं इसको रिमूव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ से रिमूव किया मतलब मैं क्या होगा इसका, हमारा यहाँ से इधर का गेट लाइन दोस्तों वो कट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों चेक करते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे लो ओम्स के रेजिस्टेंस थे दोस्तों, उसको मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। यहाँ से रिमूव करके दोस्तों हम डिस्प्ले लगाते हैं,
यहाँ से मैं FFC इसका LVDS केबल को दोस्तों लगा के आपको मैं दिखाता हूँ। ये दोस्तों लगा दिया, अब मैं इसको दोस्तों चालू करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एसर का एकदम आ गया है, हमारा दोस्तों एकदम एक्यूरेट आ गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब इसमें क्या है, हमारा सब वोल्ट प्रेजेंट होने के बाद भी हमारा गेट लाइन का फॉल्ट निकला है। लेकिन दोस्तों अक्सर यही देखा गया है कि गेट लाइन अगर शॉर्ट है तो हमारा DC to DC IC दोस्तों वो प्रोटेक्शन में चले जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये मॉनिटर में वगैरह में ऐसा फॉल्ट जरूर आता है, तो आपको भी ऐसा करना है। लेकिन दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, EEPROM से रिलेटेड फॉल्ट को EEPROM को फ्लैश करके देखते हैं और हमारा प्रोसेसर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना वोल्ट हमारा बन रहा है तो जाहिर सी बात है हमारा इधर भी फॉल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों TV में भी ऐसा होता है, लेकिन आपको इसको केयर जरूर करना है दोस्तों, आप इसको भूले ना। ठीक है दोस्तों, किसी दिन मैं पूरा पैनल का डिटेल बताऊंगा आपको, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में या फिर 2-4 वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यार। अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरे को मोटिवेट होता हूँ मैं। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।